हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट दो वीडियो में क्लियरली बता दिया था निफ्टी की एक रिट्रेसमेंट फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दो तीन बार कम से कम बोला कि ये वन साइडेड रैली नहीं दे सकता है, इट हैज टू गिव अ रिट्रेसमेंट, देन ओनली इट कैन मूव अप। अगर आपने ध्यान से आपको ये वीडियो याद है तो मैंने कम से कम तीन चार बार ये बोला है एंड आप देख सकते हो कि निफ्टी ने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया है। कल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सपायरी हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। आप वापस चाहिए तो जाके वीडियो देख लो मेरा कल का। मैंने क्लियरली बोला था कि गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलेगा और फॉलो थ्रू सेलिंग भी हमें देखने को मिलेगा, राइट। आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और एक फॉलो थ्रू सेलिंग भी हमें देखने को मिला एंड 9950 तक निफ्टी आके गया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 9950 9900 के लेवल्स एक बार वापस रीटेस्ट हो सकते हैं। एनालिसिस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और किस तरीके के स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ये आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर समझ में आ रहा होगा। निफ्टी का व्यू देख लेते हैं हम कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हो सकता है। सो अब अगर आप देखें, ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है 9900, सो हो सकता है हमें एक फॉल हमें देखने को मिले, और अगर लेट से 9900 होल्ड कर लेता है तो डेफिनेटली एक वापस अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है 10,300, 10,400 के टारगेट के लिए। सो कल के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे निफ्टी ट्रेड करता है। एज ऑफ नाउ इट इज वेट एंड वॉच, अभी फिलहाल वेट एंड वॉच मोड है। 9,900 के लेवल के आसपास हम देखेंगे कि कैसे प्राइजेस रिएक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बताया था ये 19,800 ये क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल लेवल के आसपास ही है। सो हो सकता है यहाँ से या तो सपोर्ट लेकर बाउंस करे या तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके और नीचे फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी में भी। ये चैनल पे हो क्या रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि जितने भी नए लोग वीडियोस देखते हैं उनको डायरेक्ट वीडियो देख के फर्स्ट टाइम में नहीं पता चलेगा कि ये चैनल पे क्या हो रहा है। आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये चैनल पे हो क्या रहा है और ये चैनल पे आपको कैसे एनालिसिस एंड लॉजिक के साथ आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं। क्योंकि आप चैनल काफी पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है चैनल के बारे में, मेरे बारे में, कि मेरे कॉल्स कैसे चल रहे हैं, ये चैनल पे आपको कितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस एंड लॉजिक के साथ आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं ये आपको बताना है। क्या आपको लगता है कि मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए, मेरे चैनल पे भी व्यू आने चाहिए? क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल ट्रेड्स दे रहा हूँ एंड आपने जो भी प्रॉफिट कमाया वो रियल प्रॉफिट कमाया है। अगर आपको लगता है मेरा चैनल लोगों को देखना चाहिए, व्यू आने चाहिए एंड ट्रेडर्स को मेरा चैनल देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी में फॉल हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है, 20,000 अराउंड हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बोला था। अगर आपको याद नहीं है आप वीडियो वापस जाकर देख लो। और आज का लो 20,200 के आसपास है, उसी के आसपास अराउंड एक्सपायरी भी हुई है 20,300 के आसपास। सो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और कितने स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको मेरे वीडियो में क्लीन एंड क्लियर समझ में आ रहा होगा। और आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं एकदम प्रैक्टिकल ट्रेडर हूँ और आपको मेरे ट्रेड से समझ में आ रहा होगा कि एवरी डे मैं आपको आके ट्रेड दे रहा हूँ, एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बन रहा है। आप देख सकते हो मैं आपको रोज आके ट्रेड देता हूँ और रोज आप देखो लेवल्स के हिसाब से जैसे मेरे लेवल्स ट्रिगर होते हैं स्टॉक्स कैसे ट्रेड होते हैं, स्टॉक कैसे चलते हैं। सो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि यस वी आर मेकिंग प्रॉफिट। आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग समझ में आ रही होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपने इंडेक्स में मेरे कॉल्स फॉलो करके ट्रेड में पैसा बनाया है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको स्टॉक दिया था बजाज फाइनेंस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, मैंने क्लीन एंड क्लियर लिखा भी था, एक्सप्लेन भी किया था, 2400 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और इसमें आप देख सकते हो आज इसमें ऑलमोस्ट 90 रुपीज का फॉल हमें देखने को मिला और उसमें मैंने भी काफी अच्छा पैसा बनाया और डेफिनेटली जिसने जिसने वीडियो देखा है उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। एंड BPCL मैंने आपको बाय दिया था 353 के ऊपर, BPCL में भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिला, इसमें भी काफी अच्छा पैसा बना है। ICICI बैंक सेल दिया था 353 के नीचे, इसमें भी मैंने आपको क्लीन एंड क्लियर बताया था कि ये वीक स्टॉक है। अगर बैंक निफ्टी में फॉल हमें देखने को मिला इसमें भी फॉल हमें देखने को मिलेगा और इसमें भी आप देख सकते हो 353 के नीचे सेल दिया था, इसमें भी इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपने प्रॉफिट कमाया है, चैनल पे कैसे आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं
और एवरी डे ट्रेड्स कैसे वर्क कर रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि जितने भी नए लोग देख रहे हैं वीडियो उनको पता चलना चाहिए कि ये चैनल पे क्या हो रहा है, ये चैनल पे कैसे डेली ट्रेड्स मिल रहे हैं और कैसे डेली ट्रेड्स में एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉफिट बन रहा है, रियल प्रॉफिट बन रहा है, ये चैनल पे हो क्या रहा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं जिसपे सिर्फ थ्योरेटिकल बातें होती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, और उन वीडियोस में मैंने देखा है करीब 50,000 40,000 व्यूज मैं देखता हूँ। डू यू थिंक माई वीडियो डिजर्व 50,000 व्यूज? अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस भी डिजर्व करते हैं 10,000 व्यूज, 20,000 व्यूज, 50,000 व्यूज, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, हेल्प अस टू ग्रो आवर यूट्यूब फैमिली। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऑरोफार्मा ट्रिगर नहीं हुआ था, ऑरोफार्मा मैंने आपको दिया था, ऑरोफार्मा ट्रिगर नहीं हुआ था, सो तीन ट्रेड ट्रिगर हुए, तीनों में काफी अच्छा पैसा बना है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। सबसे पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा अगर आप देखें ये लास्ट तीन दिन से 400 के ऊपर कोशिश कर रहा है जाने की, अगेन क्लोजिंग होता है नीचे की तरफ, तो इसका सेटअप मुझे काफी नेगेटिव लग रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा जसडाइल। जसडाइल का सेटअप एक्सट्रीमली नेगेटिव है और इसमें मुझे लगता है 370 360 के लेवल्स बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो जसडाइल एक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। अगर आप देखें यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट भी है, डबल टॉप हुआ है फॉल्स ब्रेकआउट के साथ, सो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है सेलिंग का इसमें। जसडाइल में मुझे लगता है बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, सो इसको आपको मार्केट वॉच में ऐड करना है शॉर्ट के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा ग्रासिम। ग्रासिम अगर आप देखिए ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास ही है, 600 के ऊपर क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास है एंड मुझे लगता है इसमें सेटअप बहुत अच्छा है, 620 630 के लेवल्स के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो ग्रासिम लॉन्ग का ट्रेड होगा, जसडाइल एंड ग्लेनमार्क फार्मा शॉर्ट के ट्रेड्स होंगे। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।